बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मारविस किचन पर आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ ही मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ पोटैटो बॉल्स की। बहुत ही यम्मी रेसिपी है और बहुत इजी आप इसको बना सकते हैं। स्नैक रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आए कि आपने इसको ट्राई करना है। और बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल से इन्ग्रीडियंट के साथ हम अपनी रेसिपी बनाएंगे पोटैटो बॉल्स। इसके लिए सबसे पहले तो आपने आलू लेने हैं, हाफ के जी मैंने आलू लिए हैं। इनको अच्छी तरह से बॉयल कर लिए। बॉयल इतना अच्छा करना है आपने, अच्छी तरह से इजीली जो है आपसे मैश हो जाए। चैनल पर अगर आपने है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियोज़ को लाइक या शेयर किया करें, कमेंट्स में अपने फीडबैक्स दिया करें। सबसे पहले जी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर के बाद जी मैंने 1/2 टेबल स्पून इसमें साबुत जीरा ऐड किया है, चॉप्ड अनियन, एक छोटे साइज़ की प्याज लेके उसको इस तरह से चॉप कर लिया है वो इसमें ऐड कर दी है, सब्ज धनिया, आप चाहें तो इसमें सब्ज मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। चलिए ये सारी चीज़ों को अब हम आलू के साथ मैश करके मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी मिक्सर जो है हमारा अच्छे वाला रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से आपने सब चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेना है। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें ईजीली बिल्कुल। ये देखें इस तरह से आप एक बॉल की लुक में इस तरह से, ये देखें बहुत इजी बन गया है, बॉल बनाते जाएं सारे। चलें जी मैंने सारे अब बॉल जो हैं इसी तरह बना के रख लिए हैं। अब जी क्या करना है, अब हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने से पहले हमें एक अदद अंडा चाहिए। आप ज़्यादा बना रहे हैं तो 2 से 3 अंडे ले सकते हैं, अंडा के लेंगे। और ब्रेड क्रम्स हमें चाहिए, वो हमने ले लिए हैं। ये देखिए मैं आपके सामने अब एक एक बॉल उठाएंगे और उसको हम अंडे के अंदर डिप करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए अंडे को आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है, बिल्कुल इक्वल हो जाए। बॉल को एक दफ़ा इस तरह से हमने अंडे में डिप कर लिया है और उसके बाद इस पर हम अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स जो है आप बेशक इस पर ज़्यादा लगाएं, जब आप इसको फ्राई करेंगे बहुत क्रंची बनेंगे। चले जब इनको फ्राई कर लेते हैं सारे हमने इस तरह से रख लिए हैं कोटिंग करके। चले जब इनको फ्राई कर लेते हैं, ऑयल गर्म है अच्छी तरह से और फ्लेम जो है इसको बिल्कुल अब स्लो कर लें। फ्लेम आपकी लो होगी तो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, कलर अच्छा आएगा, वरना तेज अगर आप इसके नीचे फ्लेम रखेंगे, हाई रखेंगे तो फिर जल जाएंगे। कलर जो है आपने इनको गोल्डन देना है, ना इनको फ्राई करें। देखिए जी बॉल जो है हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अच्छी तरह से फ्राई हो गए, कलर बहुत अच्छा है, बिल्कुल टूटे भी नहीं है, डीप फ्राई मैंने इनको किया है। चलिए जी हमारे बॉल्स जो हैं फ्राई हो चुके हैं। उम्मीद है हमारी मज़ेदार सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मैंने इसको बना के खाया, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो आप इसको बना के रीच भी कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।